हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 जुलाई 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीआईबी और न्यूज़ोन एआर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले आज न्यूज़ आई है वो आई है HEFA के बारे में, तो देख लें हायर एजुकेशन फाइनेंशियल अथॉरिटी के बारे में कुछ चीज़ें आई हैं बेसिक, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। UPSC इनके बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ें पूछ सकती है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी कैबिनेट कमेटी है उसने एक्चुअली 1000 करोड़ रुपये का वो अप्रूवल है वो दिया है हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी के लिए। कंटेक्स तो कुछ ऐसा है, तो कंटेक्स कुछ खास नहीं है, बट हमारे लिए HEFA क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सेकंड, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल जो एजेंसी है वो एक गवर्नमेंट का एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है, मतलब गवर्नमेंट ने इसे एक व्हीकल के तौर पे बनाया है। व्हीकल का मतलब आप इसे समझ सकते हो कि एक एजेंसी के तौर पे इसको निर्माण किया है जो कि एक HRD मिनिस्ट्री का इंस्टीट्यूट है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, इसका मेन मोटो ये है कि हायर एजुकेशन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया में उनको पैसा देना या उनको फंडिंग प्रोवाइड करना। देखो एक्चुअली हमारे देश में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना गवर्नमेंट के, आप ले लो चाहे प्राइवेट के भी, उनके पास कहेंगे फंडिंग नहीं होती, पैसा नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी पीछे रहते हैं वर्ल्ड की ऑल ओवर रैंकिंग में। तो गवर्नमेंट को आप ये चाहती है अभी कि भाई हम जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनको एटलीस्ट टॉप 100 के अंदर हमारे कुछ इंस्टीट्यूट आने चाहिए ना, इसीलिए गवर्नमेंट है ना काफ़ी प्रयास कर रही है और 20 इंस्टीट्यूट को चयन भी किया था उन्होंने कि 10 प्राइवेट सेक्टर से इंस्टीट्यूट चुके थे और 10 से गवर्नमेंट सेक्टर से इंस्टीट्यूट चूज है वो किए गए थे, ताकि जिनकी हेल्प से क्या किया जाएगा उनको फंडिंग वगैरह दी जाएगी, उनको ऑटोनॉमी वगैरह दी जाएगी, ताकि वर्ल्ड क्लास लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिले और वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन है वो मिल सके। तो उसी दिशा में इस व्हीकल का निर्माण या इस एजेंसी का निर्माण किया गया था, ताकि जो जो इंस्टीट्यूट है जिन जिनको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का इनका क्राइटेरिया देखो अलग अलग है, तो कौन कौन सा क्राइटेरिया वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये बता दूं कि एक यह HRD मिनिस्ट्री और इसके साथ ही केनरा बैंक है, उन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। तो आपको UPSC यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है एक तो क्वेश्चन के तरीके से कि HRD मिनिस्ट्री या PNB का इनिशिएटिव है किसका है, तो हमें ध्यान रखना है केनरा बैंक है वो HRD मिनिस्ट्री के साथ मिलकर फंडिंग प्रोवाइड है वो यहाँ पे करवा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक राइज स्कीम की बात और आती है, राइज स्कीम को भी हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि राइज स्कीम है उसका भी मेन मोटो कुछ ऐसा ही है, तो हम उसे वहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको कंटेक्स्ट अभी बता दिया कि गवर्नमेंट है वो फंडिंग यहाँ पे देखो प्रोवाइड है वो करवा रही है, ये देखो कुछ बेसिक और भी फीचर्स दिए हुए हैं कि जैसे ऑथोराइज्ड जो कैपिटल है वो है 2000 करोड़ की, गवर्नमेंट का हिस्सा है वो है 1000 करोड़, मतलब 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। इसके अलावा बात यह है कि हायर एजुकेशन जो फाइनेंशियल एजेंसी है वो जो पब्लिक सेक्टर का जो एरिया होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, उनका जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका जो पैसा होता है वो भी रिसर्च इनोवेशन वगैरह में यूज है वो किया जाएगा, लोन वगैरह दिया जाएगा 10 साल वगैरह के लिए ताकि वो ढंग से काम वगैरह कर सकें। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक तो HRD मिनिस्ट्री और एक केनरा बैंक का है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे राइज स्कीम की। देखो राइज स्कीम गवर्नमेंट ये लेके आई थी, इसका मेन जैसा मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए राइज स्कीम आई थी और राइज स्कीम के अंदर ही आप स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का निर्माण किया गया था, उसका नाम था HEFA। क्योंकि तो स्कीम क्या होती है, स्कीम तो गवर्नमेंट लेके आ गई हाँ भी हमें ऐसे ऐसे काम करना है, अब उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी चाहिए ना, तो राइज स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी थी उसका नाम था HEFA, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी। तो राइज स्कीम में गवर्नमेंट का ये प्रावधान है कि सेंट्रल के जो फंडेड इंस्टीट्यूट हैं जैसे IIT हुआ, IIM हुआ, NIT वगैरह हुई, इन सबको क्या है कि पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट इनको लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए देगी ताकि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके इनकी लैब वगैरह वो और अच्छी बने, मतलब इंटरनेशनल जो लेवल की चीज़ें हैं वो हो सकें, इससे हमारे देश के यूथ को भी फायदा होगा और हमारे देश के इंस्टीट्यूट हैं वो टॉप लेवल पर आ जाएंगे तो हमें कुछ बेनिफिट होगा। इसी के साथ थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका पैसा भी इस स्कीम में यूज़ है, वो किया जा रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक सी न्यूज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में, देखो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा आपको बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटेक्स्ट ये है कि अभी तेजस एयरक्राफ्ट है उसने इंडियन एयरफोर्स के अंदर अपने ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं, तमिलनाडु से इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है, तो उसको लेके अभी है न्यूज़ में। पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है कि स्वदेशी है, मतलब इंडिजिनस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पहला स्वदेशी नहीं है, इससे पहले भी इंडिया ने काफ़ी स्वदेशी बनाए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पहला इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट वगैरह, नहीं नहीं ऐसा तो कोई सीन नहीं है।
इसके साथ इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जैसे कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब लाइट वेट है, काफ़ी अच्छी स्पीड वगैरह है। और ज़्यादा फीचर्स के बारे में तो जैसा यूपीएससी नहीं पूछने वाली, यूपीएससी तो ये पूछ सकते हैं बेसिकली कि तेजस किस रिलेटेड है, क्या कोई मिसाइल है या फिर किसी एयरक्राफ्ट है या फिर कोई सबमरीन वगैरह ऐसे कुछ, तो वहाँ हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, देखो आपको इस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुपरसोनिक सबसोनिक है ये स्पीड कैसे काउंट हो की जाती है, सबसोनिक का या सुपरसोनिक का मतलब वो क्या होता है, क्योंकि इस जिसकी इनके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि भाई स्पीड है कौन सी यहाँ पे होती है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी, मतलब इनको जो इनकी उड़ान वगैरह का जो कार्य होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। देखो पहले क्या होता था, पहले के जो प्लेन थे वो काफ़ी मैनुअल तरीके से ऑपरेट होते थे, बट आज के टाइम पे प्लान जो प्लेन वगैरह हैं वो क्या होते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिक रूट के तहत ज़्यादा यूज है वो किए जाते हैं, तो मतलब ऑपरेशनल जो काम है वो कम हो जाता है इनमें, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी वगैरह इनकी होती है। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब अगली बात करें, अगला जो आर्टिकल हुआ है कॉमन सर्विसेज सेंटर के बारे में, तो कॉमन सर्विसेज सेंटर क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो कॉमन सर्विस सेंटर है ना, गवर्नमेंट का एक कैंपेन चलाया गया था, वो था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में आपको पता ही चीज़ें रखी गई थी कि भाई इंडिया को डिजिटल बनाना है। डिजिटल कैसे बनाना है कि सारे जो काम है वो डिजिटल होने चाहिए, कैशलेस भी डिजिटल ही एक टाइप एक तरीके का, जिससे गवर्नमेंट जनधन आधार मोबाइल लेके, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल इनिशिएटिव का ही एक पार्ट था। अब बात करें हम कॉमन सर्विसेज सेंटर की, तो उसकी दिशा में कदम देखो ये है, रूरल एरिया में देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए अलग अलग सेंटर नहीं खोल सकती, जैसे कि आधार के लिए अलग से सेंटर खोल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कुछ अलग से कुछ चीज़ें खोल रही हैं, या फिर कोई भी जैसे स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट की जा रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में जगह जगह वो खोले, वो आप बोल सकते हो कि ऑफिस वगैरह खोल सके। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी बिखरी हुई रहती है, जैसे कि ऐसा होता है कि एक आदमी यार एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ पे, काफ़ी दूर दूर घर होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ऑफिस वगैरह बनाए थे वो एक जगह नहीं बन सकते, तो गवर्नमेंट क्या करती है हर गाँव या कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेती है, उन एरियो में एक ऑफिस खोल लेती है, और उस एक ऑफिस के थ्रू ही काफ़ी सारी फैसिलिटी वो मिलती हैं। जैसे कि आप ये समझ सकते हो एक तरीके से कि गवर्नमेंट ने एक स्टोर ओपन कर दिया, उसी स्टोर पर आपको सब कुछ सामान मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट की जो भी स्कीम वगैरह है, गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट वगैरह वो सारे एक ही ऑफिस से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भी आपको दूसरी जगह ऑफिस जाना होगा, दूसरी ऑफिस वगैरह नहीं है, सारे काम एक ही ऑफिस में। आपको आधार कार्ड बनाना है तो भी वहीं से हो जाएगा, आपको बैंक का अकाउंट खोलना है तो भी वहां से, मतलब सारे काम एक ही जगह हो जाएंगे, लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, उसको कहा गया है कॉमन सर्विसेज सेंटर। तो यह ध्यान रखना है कि डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस टू अर्बन एंड रूरल सिटीजन, मेनली ये रूरल सिटीजन के लिए। देखो फिर अर्बन एरिया भी कुछ ऐसे जाते हैं जहां पर भी इनकी काफी नीड है वो होती है, तो ये डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम था उसी का एक पार्ट है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि लोगों को जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ ही हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, वो एफिशिएंसी तरीके से काम करेगा, तो उसका भी हमें काफ़ी हद तक बेनिफिट है वो मिलने वाला है। और सबसे अहम इसकी चीज़ है वो ये है कि ये एक तरीके की एक एजेंसी आप बोल सकते हो कि स्पेशल पर्पज व्हीकल है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का एक इनिशिएटिव है कॉमन सर्विसेज सेंटर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि नीति आयोग का है भाई किसका है। अब बात कंटेक्स्ट क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है ना, वो एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर फाइनेंशियल इंक्लूजन को यहाँ पे प्रमोट कर रही है, मतलब एचडीएफसी बैंक के साथ उन्होंने टाइप किया है। इसके साथ ही अब क्या होगा कि लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो सर्विसेज होगी, जैसे बैंक अकाउंट वगैरह हो गया, पैसा वगैरह ट्रांसफर करना, ये सारे काम उनको ईजिली वो मिल जाएंगे, तो इसमें एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर काम यहाँ पे किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि राइज स्कीम में जो काम था हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी में, वो काम किया जा रहा था केंद्रा बैंक की हेल्प से एचआरडी मिनिस्ट्री में, जबकि यहाँ पे ये काम किया जा रहा है एचडीएफसी की हेल्प से। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे काम हो गए या फिर कोई स्कीम वगैरह हो गई गवर्नमेंट की, या फिर मनरेगा का कोई पैसा वगैरह हो, तो वो एचडीएफसी बैंक की हेल्प से काम है, मतलब एचडीएफसी के साथ उन्होंने टाइप है वो कर लिया है, तो उसको लेकर अभी न्यूज़ है वो यहाँ पे आई है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आया है वह है बेदीन खलम फेस्टिवल के बारे में, तो बेदीन खलम जो फेस्टिवल है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो यह मेघालय का एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, नॉर्थ ईस्ट का है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट का एक कल्चरल फेस्टिवल है मेघालय का, तो हमें ध्यान रखना है।
अब बात है कि कहाँ पे, तो ये जैनित्या जो हिल है, सॉरी जैनित्या जो हिल्स हैं उस वाले एरिया में यह पे मेनली फोकस है, या उस वाले एरिया में इसको मनाया है वो जाता है। अब बात यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि क्यों मनाया जाता है, रीज़न भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो हेल्दी लाइफ के लिए, इसके साथ ही भी हार्वेस्टिंग का टाइम है, सीजन स्टार्ट हो गया खेती का, तो अच्छी फसल वगैरह हो, खेती हो, उन सबको मन्नत मांगने के लिए भगवान से ये एक्चुअली है ये फेस्टिवल है मनाया जाता है। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि पेन्नोर पीपल जो कि नॉन क्रिश्चियन टाइप के होते हैं, हिंदुज़म में वो लोग बिलीव करते हैं, मतलब हिंदू धर्म में वो लोग बिलीव है वो करते हैं, उनको पेन्नोर पीपल बोला गया है। यहाँ पे वो जनजाति मेनली इसको मनाती है, वो यहाँ पे लीड रोल है वो करती है। तो एक तो UPSC पूछ सकती है पेन्नोर के बारे में, PNOR के बारे में, कि पेन्नोर पीपल कहाँ पे, तो ध्यान रखना है ये एक्चुअली मेघालय का जो फेस्टिवल है बेदी खलम फेस्टिवल उससे रिलेटेड है, हिंदुज़म से रिलेटेड करते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे बेसिक दो तीन पॉइंट क्लियर रखने हैं। अगली जो न्यूज़ है, अगला जो आर्टिकल है वह है MSP के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसने MSP है वो इंक्रीज किया, MSP है वो डिक्लेयर कर दी है खरीफ की फसल के लिए। अब देखो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, आप उनको ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि MSP डिसाइड कब की जाती है, UPSC ने ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे भी हैं स्टेटमेंट के थ्रू। देखो MSP है ना, ध्यान रखना, फसल पैदा होने के बाद प्रोड्यूस नहीं होती है, फसल बन जैसे कि अभी किसान फसल बोने वाले हैं तो उससे पहले MSP डिक्लेयर कर दी जाती है, जिसकी गवर्नमेंट ने अभी कह देगी हाँ भाई इस साल बाजरे की जो है MSP है मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस है वो हम 2000 रुपये रख रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिन किसानों ने इस बार बाजरे की फसल बोई है उनका बाजरा प्रोडक्शन हो गया है, इसके बाद अगर उनको मार्केट में दाम 2000 रुपये से कम मिल रहे हैं, मतलब 2000 रुपये वो दे नहीं रहे बाजरे की, तो गवर्नमेंट उनसे 2000 रुपये में खरीदेगी, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे, तो उसको बोलते हैं MSP। ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे अहम बात यह है कि जो ही सीजन स्टार्ट होता है ना उसके दौरान डिसाइड होती है, तो यह चीज आपको यहां पे क्लियर रखनी है कि भाई एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रही है उसके दौरान, और इसमें एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट होती है ना उसको एक्चुअली कंसिडर है वो यहाँ पे किया जाता है। इसके साथ ही आपको बताऊँ, एक आप बोल सकते हो कि कमीशन होता है जिसका नाम है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। ये कमीशन क्या करता है, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड या गवर्नमेंट को सुझाव देता है कि भाई देखो इस बार आप इस फसल का MSP वो ऐसे ऐसे रखिए, उसके बाद गवर्नमेंट है वो आगे करती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इसका यही है कि MSP है वो कोई भी जो फसल है सीजन स्टार्ट होने वाला है उससे पहले डिक्लेयर की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर आप इस साल ये फसल बोओगे तो हम आपको इसकी ये रेट दे देंगे मार्केट में से जो भी हो या नहीं हो। तो एक तरह से किसान फिर इसका बेनिफिट हो जाता है कि किसान इजीली टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ यार ठीक है मेरे को 2000 रुपये इस बार बाजरे के मिलेंगे पर क्विंटल, तो कोई बात नहीं, कोई खरीदे या नहीं खरीदे मैं तो मेरी फसल बोल लेता हूँ। तो इससे किसान क्या थोड़े मतलब ढंग से किसी पर डिपेंड नहीं हो के आराम से काम है वो कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आई है RRB के बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। देखो आपको बता दूँ रीजनल रूरल बैंक है वो एक एक्ट के तहत है वो बनाए गए हैं, ओबियसली RBI इसके लिए एक एक्ट भी है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि RRB होते क्या हैं, RRB होते हैं वो होते हैं एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट प्रोग्राम होता है, इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर बैंक, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तो हिस्सेदारी होती है 50%, इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी हिस्सेदारी होती है 15%, और जो बची हुई 35% हिस्सेदारी होती है वो एक स्पॉन्सर्ड बैंक, मतलब एक बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ भाई मैं इस बैंक का कामकाज संभालूंगा। जैसे कि आपको बता दूं कि रूरल एरिया में जो छोटे छोटे बैंक होते हैं उनका मेन फोकस ये होता है कि रूरल एरिया में जो स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर इसके जो आर्टिसियंस वगैरह हो गए या फिर स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स हो गए या फिर छोटे छोटे बिजनेस वाले ग्रुप हो गए गाँव में जिनको आप बोल सकते हो कि इनफॉर्मल सेक्टर, तो उनको पैसा देना या उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत लाने के लिए ही RRB है वो काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो होते एक तरीके के बैंक ही हैं बट ये बैंकों के मान लो छोटे फॉर्म होते हैं, बैंकों का छोटा भाई होता है आप ऐसे समझ सकते हो। अब ये क्या करते हैं, देखो छोटे हैं ओब्वियसली, तो इसका मतलब ये है कि बैंकों की तरह ढंग से पूरे रूल लगे उसमें फॉलो नहीं करेंगे। तो इनको क्या करती है RBI, क्या करती है इनके गाइडलाइन के तहत कि हाँ भाई आपको एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बैंक रखना है, मतलब जो बड़े बैंक होते हैं उनके अंडर आपको काम करना होता है। तो उस तरीके से फिर स्पॉन्सर्ड बैंक है इनकी हिस्सेदारी होती है 35%। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रीजनल रूरल बैंक होते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% हिस्सेदारी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की 15%, और स्पॉन्सर्ड बैंक है जो उसको स्पॉन्सर करता है कि हाँ भाई मैं इसका मेंटेनेंस वगैरह करूँगा, मैं इसका ध्यान रखूँगा, ये मेरे को बेनिफिट होने वाला है, तो वो काम किए जाते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा। काम मैंने आपको बता दिया कि जैसे क्रेडिट लोन वगैरह देना हुआ या फिर इसके साथ ही किसी पैसा वगैरह देना हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा वगैरह आ रहा हो, तो वो सारे काम इनके द्वारा एक तरीके से बैंक के जो भी काम होते हैं वो सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं, बट मेनली फोकस रहता है कि रूरल एरिया में काम हमें कैसे करना है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है WIPO ट्रीटी के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि WPIO के अंदर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक कॉपीराइट एक्ट था। उस कॉपीराइट एक्ट या कॉपीराइट जो ट्रीटी थी ना, उसको अभी इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा अमेंडमेंट करके जो भी गाइडलाइंस थी उनको पूरा फुलफिल है वो कर लिया है। तो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो होता है WIPO। देखो WIPO है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नाम से समझ में आ गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब जो बौद्धिक क्षमता वाले जो राइट हो गए, जैसे कि कॉपीराइट वगैरह हो गया, या फिर आप हो सकते हो टेगमार्क वगैरह का कोई इशू है, या फिर होलोग्राम का कोई इशू आ रहा है, मतलब इस तरीके के जो इशू वगैरह होते हैं उनसे डील करने के लिए, या फिर कहीं इनोवेशन वगैरह की कोई बात आ रही है, तो वहाँ पे WIPO है वो काम है करता है। सबसे अहम इसका ये बात है वो ये ध्यान रखना है कि UN की स्पेशलिस्ट एजेंसी है। ये आपको ध्यान रखना है कि UN की स्पेशलिस्ट एजेंसी है कौन सी है, WIPO। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। ये इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, वो आती है माराकास ट्रीटी। ये माराकास ट्रीटी इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो माराकास ट्रीटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसने माराकास ट्रीटी को साइन किया था। अब है क्या ये देख लेते हैं। माराकास ट्रीटी है उसका मेन मोटो ये था कि भाई जो भी डिफरेंटली एबल या जो भी ब्लाइंड पीपल हैं वो बुक वगैरह तो नहीं पढ़ सकते, तो जो भी मार्केटिंग बुक है ना उस बुक को डिफरेंटली एबल जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग या उनके जो इश्यूज़ हैं उसके मुताबिक उस बुक को कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो वहाँ पे कॉपीराइट का इशू वगैरह नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कोई बुक है और किसी ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाने के किसी ब्लाइंड पर्सन के लिए अगर कोई भी ये मान लो ऑफिस वगैरह है वो उस बुक को कन्वर्ट कर देता है ब्रेन लिपि के तहत, तो ऐसा नहीं है कि उस पर कॉपीराइट का इशू क्लेम कर सकते हो आपकी भैया देखो मेरी बुक थी इन्होंने इसका तोड़ मरोड़ के यूज़ कर लिया, तो वो कॉपीराइट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंड पीपल के लिए बनाया गया है, वो एक्चुअली सोसाइटी के भलाई के लिए ही किया गया है, इसलिए वो कॉपीराइट में नहीं आता है। तो माराकास ट्रीटी उससे रिलेटेड थी कि जो डिफरेंटली जो एबल लोग होते हैं उनके लिए बुक है वो कॉपीराइट के तहत नहीं आएगी, उनको बुक उनके मुताबिक प्रोवाइड हो की जाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने माराकास ट्रीटी को साइन है वो किया था। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।